अस्सलाम वालेकुम जी। कल जैसे कि हम जो है ना फंस गए थे, बारिश की वजह से काफ़ी मसला बन गया था हमारे लिए। हम जो है ना आगे जा नहीं सके। हमने जाना था केरन वगैरह, जाना था अपर नीलम जाना था। बारिश ने जो है ना सारा काम ख़राब कर दिया। तो अभी जो है अभी हमने सोचा आगे इस तरफ नहीं जाना, अरनकेल टावर नहीं जा रहे हम लोग, जो है ना लीपा वैली की तरफ शायद चले जाएँ। लीपा वैली लोगों का मुकामी यहाँ का कहना है कि वो सेफ है, वहाँ पे मतलब कि लैंड स्लाइडिंग का इतना इशू नहीं है, आप जा सकते हैं। अभी देख रहे हैं, अभी हम मुजफ्फराबाद में रुके थे कल, ये होटल था उधर हम जहाँ पर ठहरे थे, ये वो सामने, ये पूरा मुजफ्फराबाद सिटी है। जी तो अस्सलाम वालेकुम। प्लान में फिर से आया चेंज थोड़ा सा। हम जा रहे हैं अब नीलम भी दोबारा, क्योंकि बारिश बुरिश का कोई इम्कान इतना खास नहीं है, तो नीलम निकलते हैं। इंशाल्लाह नीलम के पूरे रोड की वीडियो बनाएंगे। चल जी, तो सफ़र शुरू हो चुका है मुजफ्फराबाद से। ओ आजा, मुजफ्फराबाद से नीलम की तरफ अब हम निकल रहे हैं। वेदर कंडीशन थोड़ी बेहतर लगी तो हमने कहा यार चलते हैं, अब आए हैं इतनी दूर। एक मिनट यार, माइक नहीं सेट हो रहा, एक मिनट और का माइक सेट है। चल सुन, हाँ शॉपर पकड़ ले, हाँ फाल बीच में रख ले। हाँ जी ओके करिए, हूँ नहीं रुकना इंशाल्लाह। चलो जी अल्लाह खैर था। इंशाल्लाह पूरे रोड की वीडियो बनानी है। जी अरनकेल जाना, अरनकेल ये रास्ता अल्लाह, हाँ वही है ना रास्ता, नहीं नहीं यही रास्ता, नहीं नीलम वैली तो उधर रास्ता, नीलम वैली का रास्ता, नीलम वैली का रास्ता। चल 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 चल, आजा आजा। नीलम के रास्ते पे जी हम आ चुके हैं, हम आखिर वजह से बात नहीं हो रही। ये देखने रोड बिल्कुल क्लियर, अल्हम्दुलिल्लाह साफ सुथरा रोड है, सुकून से जाएंगे, मजे करेंगे, एंजॉय करेंगे। ये देखिए छोटी छोटी बकरियां प्यारी प्यारी, सोनी सोनी। हमारा शुरू हो चुका है, चेक करें ये व्यू, ये व्यू हमें चाहिए, ये एडवेंचर चाहिए। कल तो हमारा बारिश ने जो है ना सारा एडवेंचर खाक में मिला दिया, मिट्टी मिला दी। अल्लाह खैर करे, वो भी अल्लाह का ही काम है, कोई बेहतरीन थी अल्लाह की उसमें भी, लेकिन आज अल्लाह पाक ने हमारे लिए मौसम को क्लियर ही रखा है इंशाल्लाह। ये देखें ये बोला आ गया, आ रहा है पीछे, पीछे उसको भी देखता रहा। पैर बजा, हाँ तकरीबन ये पूरी वीडियो में कितना ये जीबी लेगा अगर 4 घंटे की है, कट कट करके बनाओ ना। वो पैन चुनू चेक कर कितनी स्पीड चल रही है। एक बगैर ड्राइवर था, बहुत ही स्पीड में आ रहा था, चवल का बच्चा। और यही लोग आते का जो है ना लोगों को
कार बनाते हैं यहाँ पे, मतलब 5-5 मिनट बाद चलाऊं कैमरा। कल इधर हुई होगी लैंड स्लाइडिंग, व्यू चेक करें यार क्या खूबसूरत व्यू है। हाँ जी मजे आ रहे ने, मजे आ रहे ने, क्या कह रहे है? क्यों अच्छा तो भाई जान की मजे आ रहे हैं कि नहीं है, देख रहे हैं ऐसे होते हैं सफर। छोटे छोटे यहाँ पे आते हैं रास्ते में, आबादियां आ जाती हैं कभी, छोटी 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 दो चार दुकानें होंगी, चाय के ढाबे होंगे, वहां पे लोग रुक जाते हैं, कुछ चाय पी लेता है, कोई नमाज पढ़ने के लिए रुक जाता है। हमारा तो अभी हालात बुरे हैं क्योंकि जो है हमें पानी ही नहीं मिला, होटल वाला कहता जी पानी नलका जो है किसी ने खुला छोड़ दिया और पानी जो है सारा जाया हो गया। क्या कह रहा है यार, इधर तू इधर खड़ा होके मोबाइल से बना वीडियो। हाँ मैं वहां से इस तरह से ये देखे ना, ये आती है छोटी छोटी वादियां, ये होटल आ गया, ये वादियां इधर इस तरह ही है, मस्जिद देखें कितनी प्यारी है छोटी सी। टाइम है काफी, अभी बाइक्स पे अभी 5 से 10 लड़के हमने देखे आते हुए वापस जो गए हुए थे नीलम, और एक आध दिन की बारिश थी उसके बाद जो है ना अब हालात सेट हो चुके हैं, मौसम बेहतर है, हर चीज गुड है। लो ये तो अपने गलाई जा, जिंदगी वाजी वाह। इधर कोई पर्ची पुर्ची है लगता है, पता नहीं कहा पर्चियां लाके बैठे। ये एक छोटा सा लोगों ने अपने लिए बैठने का पॉइंट बनाया हुआ है, बस स्टॉप है छोटा सा, चेक कर। ये आ गया, एक छोटी सी वादी आ गई है, देख तो लाइट है भाई, हम ये ना चलाता भी रहता ही अगले बंदे मेरा ऐसे हो रहा है, मेरा वैसे हो रहा है, चाचा जी दई ना दबा देगा पूरा। देखें छोटा सा बाजार है एक नीलम के रास्ते में, जिधर आपको फल फ्रूट हर चीज मिल जाएगी, हर जरूरी अशिया खाने मिलेगी। फिर से कोई छोटा सा रिजॉर्ट पॉइंट आ गया, छोटे छोटे होटल बन गए, स्काई रिजॉर्ट। ये एक फैमिली है जी, यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, देखें फुल टाइम जो है ना मजेदार सीन है यहाँ पे, कोई ऐसा मसला ही नहीं है, आप बाइक पे आराम से जो है ना आ सकते हैं। बाइक का टूर भाई बहुत से टूर होंगे लेकिन बाइक बाइक है, बाइक का टूर के अलावा कोई टूर नहीं है मैं मानता हूँ।
ये हमारा शराबी भाई जा रहे हैं आगे, ये जो है ना बहुत नशा ही आदमी है, लेकिन वैसे नशा नहीं करता इसका, मतलब कि खून में नशा, जहाँ पे एक दफ़ा ये बैठ जाए तो उसके बाद ये उठता नहीं, बड़ी मुश्किल से उठाना पड़ता है इसको। हम दो ही बाइक्स रह गई थी, बाकी सारे जो है ना हमें कहते हैं ना फिट दिखा गए थे, ये बातें हैं, ये है वो है ऐसे है, ठीक है भाई उनकी सेफ्टी अपने लिए बेहतरी जानी उन्होंने, एक दो ने तो वैसे ही दो नंबर लगाई थी हमारे साथ। आगे एक जगह पे जाके ना पार्टीशन शुरू हो जाएगी, पार्टीशन यहाँ पे इंडिया वाला साइड होगी, इधर हमारी साइड, ये देखें जी खूबसूरत किस्म के पहाड़ सामने, बड़े बड़े पहाड़, बहुत ही मजेदार, बहुत आला। चाचा अस्सलाम वालेकुम, ये यहाँ के मुकामी लोग हैं रास्ते में, ये देखिए बच्चा स्कूल जाने के लिए रो रहा, मैंने नहीं जाना, साढ़े भी उत्थे यही हाल है, कहते असी नहीं स्कूले जाना। खूबसूरत पहाड़ है यार, अमेजिंग, बहुत आला। ये है जी हमारा कश्मीर, ये हमारा कश्मीर है, खूबसूरत जबरदस्त, ये है जी मेरा कश्मीर, ये हमारा कश्मीर है, खूबसूरती का बादशाह। ये तो अभी कुछ भी नहीं है यार, इससे आगे क्या क्या मंजर हैं, इससे आगे तो इससे भी ज्यादा खूबसूरत है। 8 मुकाम 56 किलोमीटर रह गया जी, 8 मुकाम वो जगह है जहाँ पे, जहाँ से हमारा अगला जो पॉइंट है ना वो बहुत करीब है, 8 मुकाम पहुँच गए तो हम इंशाल्लाह जो है ना पहुँच जाएंगे अपनी मंजिल पे जल्दी। 56 किलोमीटर उम्मीद है कि ये हम 2 घंटे में कर लेंगे, बीच में थोड़ा सेब वगैरह भी लेंगे, गाड़ियों को भी थोड़ा ठंडा ठंडा करेंगे, हौसला देंगे, बेटा तैयारी पढ़ो कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं लेनी तुम्हें। वो देखें पूरा शहर है, पूरा शहर आबाद है, कमाल है। ये आ गया जी धानी वाटरफॉल, नहीं नहीं ये नहीं है सॉरी, ये कोई और है, जब्बारा वाटरफॉल, जब्बारू जब्बार वाटरफॉल है, चाहे अपने नाम से बना लिया जब्बार ने। क्या कह रहा था हैं भाई, अभी अगे जाके खावे जो खाना, ये घाटी है टैंकर है, वो देखें वो घास का आ रही है लाला, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है चाचू, अस्सलाम वालेकुम। ये भी एक वाटरफॉल है, यहाँ पे आपको जगह जगह जो है ना इस तरह के वाटरफॉल नजर आएंगे, चेक करें कितना खूबसूरत है, जबरदस्त। पूरा व्लॉग भेजेंगे भाई, पूरा व्लॉग भेजेंगे, ये मस्जिद है जी, इन्होंने यहाँ फुटपाथ बनाया, अच्छी बात है कि कोई देर ना गुजरे यहाँ से, ये एक छोटा सा गांव है नीचे, ये बाजार आ गया, कोई इस तरह की बातें आती रहती हैं इधर, छोटी छोटी जो है ना, ये देखें इधर शॉप्स होती हैं, सूरत की सारी चीज़ें मौजूद होंगी। बाजार है पूरा, जी
पेट्रोल पंप भी है जी रास्ते में, आपको पेट्रोल की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कितना कार्पेटेड रोड है, आप ये सोचते होंगे, कई लोग ये सोचते होंगे कि यार वहाँ पे रोड ऑफ रोड होंगे सारे, कोई सड़क नहीं होगी, लोग पता कैसे जाते होंगे। देखें क्या कमाल खूबसूरत रोड है, कार्पेटेड रोड है, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। आप अपनी गाड़ी भी लेके आते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा अपनी गाड़ी बिना आया करें, अगर आपको तजर्बा नहीं है इतना गाड़ी चलाने। बाइक इज बेटर दैन कार, आई प्रेफर बाइक में जो 360 एंगल हैं, ये चेक तो करें 360 एंगल, होते चेक करो बदल, खूबसूरत मजे आए मजे। ये जी स्कूल वैन है, ये भी एक वादी शुरू हो गई है यहाँ पे, देखें एक छोटी सी वादी है, अभी इसका बाजार शुरू हो गया। इस तरह के रास्ते में बेशुमार लोगों की रहायशें हैं, यहाँ पे आबादी हैं, फिर दुकानें बनी हुई हैं, छोटे छोटे गांव आबाद हैं, लोग रहते हैं भाई, यहाँ की जिंदगी भी अलग ही जिंदगी होगी यार, कमाल की जिंदगी होगी। लेकिन मुझे लगता है हम शहर वाले जो है ना नहीं रह सकते इधर, हम इंजॉय के लिए तो थोड़े दिन के लिए आ सकते हैं, ज़्यादा दिन रहेंगे तो हमने वैसे ही आके जाना। जी व्यू चेक करो, ये रोड चेक करो, मजे ही मजे, मजे ही मजे। देखो ये देखो गाड़ी, गाड़ी भी चेक करो, छोटा सा एक वाटरफॉल है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक हो, कैसे हो, तबीयत सेट है, कल सुना यहाँ बड़ी बारिश हुई है, हुई थी बारिश, इधर इधर आना सामने कैमरे पे आना, डरता क्यों है यार, इधर तो आ यार, भाग रहे हैं कैमरे से, चलो फिर हम जाएं, चलो यार ठीक है, ठीक है वो आगे एक वाटरफॉल आएगा उसके बाद में ले लूँगा। सर ये देखिए खूबसूरत जानवर, गायें बकरियां भैंसें, क्या कह रहा है, ये देखें जी यहाँ पे ये एक चेक पोस्ट है, ये हमारे फौजी भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या चल रहा है, ये भी हमारे फौजी भाई हैं, ये कैंट टाइप का एरिया है, मतलब कि ये चेक पोस्ट थी यहाँ पे आर्मी के जो है ना। अस्सलाम वालेकुम, जी अब आपको दिखाएंगे धानी वाटरफॉल पे हम पहुँच चुके हैं, वो सामने छोटा सा भी नज़र आ रहा है, अभी करीब जैसे जाएंगे आपको पता चलता जाएगा, वो देखें साहब और धानी वाटरफॉल, ये टूरिस्ट प्लेस है, लोग आते हैं एंजॉय करते हैं, वो देखें ऊपर सामने खूबसूरत किस्म की वाटरफॉल है, इधर रुके हैं दो मिनट, वो देखें सामने। जी अस्सलाम वालेकुम, तो फाइनली हम जो है ना पहुंच चुके हैं अपना धानी वाटरफॉल, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये खूबसूरत वाटरफॉल है, बहुत ज़्यादा ये चेक करें कितनी ज़बरदस्त वाटरफॉल है, अभी हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके ज़रा इन्जॉय करते हैं इधर, यार मेरी आने दे दे यार कुछ, मेरी शक्ल भी सोनी आ रही है थोड़ी, वो जी मैं ग्लासेस पहन ली है हूँ, शायद मेरी शक्ल थोड़ी सी सोनी आ रही है, पीछे वाटरफॉल है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, चेक करें वाटरफॉल का नाम, ये धानी वाटरफॉल है, जैसे दसानी वाटर है ना, ये धानी वाटरफॉल है, चेक करें कितना खूबसूरत मंजर है यहाँ पे, वो ऊपर पहाड़ों पर आप देख सकते हैं बादल भी नज़र आ रहे हैं यहाँ ऊपर, वहाँ से फैमिलीज भी आ रही हैं ऊपर वाटरफॉल पे, हमने भी जाना है ऊपर जाएंगे अभी देख के आते हैं, ज़बरदस्त वाटरफॉल है, हम जा रहे हैं जी ये वाटरफॉल की तरफ, जैसे कि आप देख सकते हैं
ये चाचा जी बैठे हुए अंदर। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या हाल चाल है? ठीक है, तबीयत सही है? खैरियत इधर बैठे हैं वैसे? अल्लाह ना तो चलो वापसी तो तुम देने वाले असं उत्ते हो आइए। और तबीयत सही है? इतने इतने तो रहने वाले तो जाते हो आप ही चल के? यार स्टिकर ना ले लें, स्टिकर कितों मिलेगी? हाँ जो वापसी पे अंकल को दे देते हैं। हाँ सही है, ये ले लेते हैं। मैं कहता हूँ रास्ते में ना ये देख के चेक करें जी, हम भी जा रहे हैं जी ऊपर वाटरफॉल पे, मुंडे साढ़े आ रहे हैं उधर, उनको वीडियो चाह के तो मेरा भी बेड़ा करना है। ये तो हम भी जा रहे हैं ऊपर वाटरफॉल। और मेरी अंकल मेरी शक्ल नहीं सही आ रही, चेक करो। ये देखें जी हम लोग जा रहे हैं ऊपर वाटरफॉल, वो सामने जो वाटरफॉल नजर आ रहा है वो तेरी सारी रिकॉर्डिंग आ रही है बीच। ये है जी धानी वाटरफॉल, बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। ये देखिए जी इस टाइम मैं खड़ा हूँ जी धानी वाटरफॉल, आप चेक करें कितना खूबसूरत किस्म का वाटरफॉल है, वो बहुत आला, क्या खूबसूरती है यार, चेक करें, बड़ी ज़बरदस्त टूरिस्ट प्लेस है। अभी आज रश नहीं है इतना। ये भाई जी आए हैं कहाँ कहाँ से आए हैं? चारकोट से। तो किस से? अपनी ट्रांसपोर्ट लोकल लोकल लोकल। अच्छा कितने पैसे लिए? बस यार अभी आगे भी जाना, अभी कहाँ पर जा रहे हैं? कैरम ज़बरदस्त, हम भी बाम तो बाइकों पर आए हैं, बाइक टूर कर रहे हैं फुल टाइम, अभी ज़्यादा थक गया साढ़ा मुंडा। अरे मैं भी देखा